और रेडियो पहले लगी थी क्या? अभी रेडियो तो नहीं है। अभी कीमो के लिए कहा है, कितने राउंड हो चुके हैं? दो राउंड हो चुके हैं। कोई किसी तरीके की तकलीफ नहीं है? हाँ, दिखाई जहाँ इंजेक्शन लगता है आराम रहता है, हर बार लगाना नहीं पड़ता है सुई। तो कोई किसी तरीके की बस वही वोमिटिंग होती है, दो तीन वो तो दो दिन होती है, वो तो करना पड़ता है। पर उसके लिए भी कोई दवाई वगैरह मिल जाती है ना, उससे वोमिटिंग पहले के मुकाबले में आपको कम होती है ना। और ये कितना, छह बार बोला है, कितनी बार? आठ बार। ठीक है ठीक है। ये सी रख देते हैं, क्या दे रहे हैं आजकल, क्या दवा दे रही है, क्या होता है, डोज स्टेटस क्या है? अच्छा, 8 बार बोले तो शायद वही होगा। 3 हफ्ते में एक बार लगती है आपको? नहीं, 21 दिन पे। हाँ, वही हाँ, वही दिन हाँ, सब आखिरी कर जी। दो दिन तो एक दिन। अच्छा, तो वहाँ पर तो आउट पेशेंट मैंने जो कीमो रूम है वहाँ जाके करवाते हैं? हाँ, वहाँ पर बेंचें पड़ी हुई है देखने के लिए। ठीक है, और शाम को घर चले जाते हैं? फ्री हो रहा है ना, पैसा तो नहीं लगा? नहीं सर। चलिए, अच्छी बात है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद। तो इसके बाद आप ये आर्ट्स कोर्सेज के बाद वापस जाएंगे? नहीं सर, यहीं बेटा ही जॉब कर रहा है। अरे बहुत अच्छी बात, तो यहीं पर रह सकते हैं, फॉलोअप के लिए आ सकते हैं, चेकअप, क्योंकि चेकअप आवश्यक है कैंसर के बीच में। करीब 5 वर्ष तक तो जल्दी जल्दी आना है, पहले 2 वर्ष तक 3-3 महीने में, फिर अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर 6-6 महीने पर ही देखते हैं, 5 वर्ष तक उसके बाद। तो आप दोनों जगह जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पर अब जहाँ रह रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए भी आसान होगा और मुंबई में भी वही चेकअप होगा जो यहाँ होगा। तो क्योंकि डॉक्टर साहब इसी के स्पेशलिस्ट हैं और आपको तो समस्या नहीं है, आप यहाँ दिखा सकते हैं, आपको तो ये भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्राइडे को डॉक्टर साहब आते ही। अगर यहाँ पास कहाँ रहते हैं? यहाँ के पास है ना? हाँ, तो यहीं आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ देखिए आपको जो आराम से बात हो सकती है, वहाँ पर मुश्किल हो जाता है।